महल की दीवार को छुआ है। दिल्ली में यमुना के जलस्तर में कमी आई है, लेकिन अभी भी ये खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। गढ़मुक्तेश्वर में भी गंगा का जलस्तर 13 साल बाद पीले निशान के पार है। ब्रजघाट में गंगा का पानी आरती स्थल के पास बनी सीढ़ियों के पास तक पहुंच गया है। हिमाचल प्रदेश में भी रविवार को कई जिलों में बारिश हुई है। मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान में प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कुछ स्थानों पर बादल फटने और अचानक बाढ़ आने की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली में भी 3 दिनों तक मध्य स्तर की बारिश होने का पूर्वानुमान है। रविवार को उत्तर प्रदेश के अधिकांश जिलों में बादल की मौजूदगी तो रही, मगर बारिश की संभावनाएं सूखी रही। कुछ जिलों में हल्की बूंदाबांदी हुई और इस बीच नदियों का जलस्तर बढ़ना घटना लगातार जारी रहा। रुद्रप्रयाग के बांध में पानी का लेवल